मॉर्निंग कोलकाता, हम पारो के साथ मदर्स वैक्स म्यूजियम एक्सप्लोर करने हैं कड़ा धूप में, और हम लोग एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेताजी से, जिनको आप मोस्ट एनर्जेटिक, डोमिनेंट एंड मोस्ट एग्रेसिव फ्रीडम फाइटर के रूप में जानते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने फादर का ड्रीम फुलफिल करने के लिए सिविल सर्विसेज क्लियर किए थे 1919 में, एंड जस्ट क्लियर करने के बाद थोड़ा दिन में छोड़ के वापस आ गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया को उनको ज्यादा जरूरत है। वापस आने के बाद 1920 में गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन करके वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट हो गए थे। नेक्स्ट जो हमारे बंगाल के जेम है, वो भी सिविल सर्विसेज क्लियर किए थे। जैसे आज सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग लबासना मसूरी में होता है, उस समय किंग्स कॉलेज लंदन में हुआ करता था। तो वो वहां से सिविल सर्विसेज का पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करके इंडिया में आके बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज वर्क किए, एंड वो है नन अदर देन हम लोग के अरविंदो घोष। नेक्स्ट है अपना पठान किंग खान SRK, जिनको आप लोग सबको ही जानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि SRK को हॉर्स राइडिंग का फोबिया और आइसक्रीम से सख्त नफरत है? परो, अब्दुल कलाम साहब को देख के तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है? नेक्स्ट है अपने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ कलाम, जिनको हम लोग सब एस प्रेसिडेंट के फॉर्म में जानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है इनको रॉकेट मैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1998 में पोखरण राजस्थान में जब इंडिया सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके एक न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्री हुआ, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स के सिलेक्शन में आउट ऑफ जितना भी कैंडिडेट्स गए थे, सब में से ये फेल हो गए थे और सब पास हो गए थे। तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तो चीफ मार्शल ऑफ एयरफोर्स को बुला के पहला लाइन यही बोले थे कि मेरे को प्लेन उड़ाना सीखना है। तो दिस स्टेटमेंट प्रूव्स कि वो बहुत सारा चीज प्लान करके रखा है तुम्हारे लिए, बस घिसते रहो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब बात हो रहा है तो हाउ कैन वी फॉरगेट मिस्टर प्रणब मुखर्जी। देन हमारे भाईजान भी हैं यहाँ, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? देन है हम लोग की स्पिरिचुअल गॉडली कपल रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा देवी। ये दोनों मिलके रामकृष्ण मठ शुरू किए, जिससे रामकृष्ण मिशन इतना सारा स्कूल है वही मठ का बाई प्रोडक्ट है। इस मठ के सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड उनके सबसे बेस्ट स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ है। स्वामी विवेकानंद 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन जब शिकागो में हुआ था, ऐसा स्पीच दिए थे कि वर्ल्ड में तहलका मच गया था, पूरा वर्ल्ड उनके बारे में जाने लगा, एंड एज ए बाई प्रोडक्ट पूरा वर्ल्ड इंडिया के बारे में जाने लगा कि हम लोग स्पिरिचुअली कितना रिच है। इसी के कारण स्वामी विवेकानंद की एक स्टूडेंट सिस्टर निवेदिता भी यहाँ है, जो अपना कंट्री आयरलैंड छोड़ के इंडिया में कोलकाता में आके रहने लगी ताकि उनकी स्टूडेंट के फॉर्म में, उनकी डिसाइपल के फॉर्म में रह पाए। अपने डिस्को डांसर मिथुन दा भी यहाँ है, जो अभी रिसेंट अपने इस डायलॉग को लेके बहुत फेमस हुए थे, साला मारबो इखाने लाश पड़बे शमशान। क्या पढ़ने हैं ये परो यार? किसे पढ़ने हैं ये? ओहो, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913 गीतांजलि। करेक्ट, ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि। मदर टेरेसा भी यहाँ है, जो नोबेल प्राइज जीती थी 1979 में, पता है किस लिए? फॉर पीस। बापू भी यहाँ है अपने किताब चरखा एंड चप्पल के साथ। देन है शेख मुजीबुर रहमान, जिसको हम लोग सब जानते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश या फाउंडर ऑफ बांग्लादेश के नाम से। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जब उनका शादी हुआ तब वो सिर्फ 18 साल के थे और उनकी वाइफ तो सिर्फ 8 साल की थी। इस शादी से उनको 3 बेटा और 2 बेटी हुई। 2 बेटी में से एक बेटी शेख हसीना है, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद उठ ही चुका है तो हम लोग नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश काजी नजरुल इस्लाम को कैसे इग्नोर कर सकते, वो भी यहाँ है। अमिताभ सर प्रणाम। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। कोहली भाई आपके बिहाफ में हम बोल देते हैं। वेस्टर्न मीडिया एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण हम लोग वेस्टर्न साइंटिस्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन न्यूज चैनल इंडियन साइंटिस्ट का हिस्ट्री को पूरा सबड्यूड रखा है, पूरा डार्कनेस में रखा है। वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बंगाल के जेम यहाँ है AGC बोस या आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिनका पूरा नाम था। वो क्या इन्वेंट किए हैं? दिमाग घूम जाएगा सुन के। वो क्रेस्कोग्राफ इन्वेंट किए हैं। क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा मशीन है जो ग्रोथ इन प्लांट्स को मेजर करता है। AGC बोस इसके अलावा माइक्रोवेव, जो आज हम लोग किचन में यूज करते हैं, उसका बहुत सारा कंपोनेंट्स का इन्वेंशन वो खुद किए थे। एंड वही इंसान थे जो बोले थे प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसे प्रूफ किए थे पता है? जैसे हम लोग डांस पे थिरकते हैं वैसे प्लांट्स भी डांस पे थिरकता है।
ये चीज वो प्रूव किए थे। नेक्स्ट हम लोग ये साइंटिस्ट हैं, उनको कैसे कोई इग्नोर मार सकता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको हम लोग बहुत सारे चीज के लिए जाने जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोबेल प्राइज 1921, ग्रेविटेशनल वेव्स का डिस्कवरी, E=MC² का डिस्कवरी, रिलेटिविटी थ्योरी एंड व्हाट नॉट। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि उनके मरने के बाद उनका ब्रेन को प्रिजर्व किया गया है एंड उस पर काफी सारा स्टडीज किया गया है। गोट ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी यहाँ है एंड जो फर्स्ट इंडियन कैप्टन जो हम लोग को वर्ल्ड कप दिलाया क्रिकेट में, कपिल पाजी भी यहाँ है। इस बार 2022 फीफा वर्ल्ड कप विनर अर्जेंटीना का मोस्ट फेमस प्लेयर एंड कैप्टन लियोनेल मेसी भी यहाँ है। मोस्ट फेमस बंगाली म्यूजिशियन मन्ना डे भी यहाँ है, जिनको 1971 में पद्मश्री मिला अपने काम के लिए। बाबा साहेब यानी B.R. अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब वो इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट डिग्री लेके कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के वापस इंडिया अपने गाँव आए तो एक हायर कास्ट इंडिविजुअल के घर के बाहर उनको लोटा में ऊपर से पानी दिया गया था ताकि छुआ मत जाए, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट के थे और अनटचेबिलिटी इतना पीक पे था उस समय इंडिया में। कैन यू इमेजिन इट, इतना कुछ पढ़ के आने के बाद ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना। देन बंगाल के जेम जो जीनियस फिल्म मेकर, भारत रत्न अवार्डी 1992 सर सत्यजीत रे भी यहाँ है। यार मेरे शादी करा दो कोई मेरा इससे। What? मेरे जिंदगी का क्रश है भाई ये इंसान, ये एजलेस है, टाइमलेस है, समय के परे बियॉन्ड है यार भाई। हम आज भी शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब LGBT हम भी सपोर्ट कर रहे हैं 377 इसके लिए से, इस इंसान के लिए से। बेटा कम यार, कैन वी गेट सम कॉफी, कैपेचिनो मस्ट बी स्लाइटली मिक्स, गिव इट अ गुड नाइट किस, रोटेट द कॉफी, गो टू हेल एंड देन कम बैक विद द फ्रेश न्यू कॉफी, वी वॉन्ट दोस। तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? She is damn sexy, isn't she? In the words of Miss Jolly, my name is Evelyn Salt, I am not a KGB Russian agent. Brad Pitt. In the words of Fight Club, hit me, come on, hit me. अगर तुम ब्रूस विलिस के रियल फैन हो, and I mean real, Die Hard सीरीज में एक लाइन है, We shoot helicopter with a car. 2022 का वर्ल्ड का द मोस्ट फेमस डिफेमेशन केस का लीड प्रोटैगनिस्ट जॉनी डेप भी यहाँ है। बॉन्ड 007 सीरीज का द मोस्ट सक्सेसफुल हैंडसम सेक्सी एंड हार्ट थ्रॉबिंग एक्टर डैनियल क्रेग भी यहाँ है। सितार मेस्ट्रो पंडित रविशंकर भी यहाँ है और उसके जस्ट बगल में R³ यानी राजा राममोहन रॉय भी यहाँ है। क्या आप लोगों को पता है 1820s में राजा राममोहन रॉय सती के अगेंस्ट अपनी मम्मी से फाइट करके घर छोड़ दिए थे क्योंकि वो सती प्रथा को एबॉलिश करना चाहते थे, वो अपने समय से इतने आगे थे, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रिनेसांस भी कहा जाता है। वर्ल्ड का मोस्ट एजुकेटेड कॉमेडियन मिस्टर बीन भी आए। हेलो देवी प्रसाद घर पर है? रख रख तेरी माँ की रख।